भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। दोनों ही देशों के हजारों सैनिक आमने सामने हैं। भारत और चीन के वार्ताकारों के बीच वार्ता से इसमें थोड़ी नरमी जरूर आई है, लेकिन विवाद का जल्द हल होता नहीं दिख रहा है। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीनी ड्रैगन बहुत तेजी से हिंद महासागर में अपने पैर पसार रहा है और आने वाले समय में भारत को लद्दाख से भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल चीन केवल जमीन पर ही नहीं, पानी में भी हर तरफ से भारत को घेरने की चाल चल रहा है। चीन ने पिछले कुछ सालों से हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव के साथ साझेदारी में परियोजनाएं शुरू कर वो भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। इससे भारत के चारों तरफ उसकी पहुंच हो जाएगी और इसी बात को लेकर विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि चीन भारत के लिए लद्दाख से ज्यादा हिंद महासागर में खतरा है। हिंद महासागर में तेजी से पैर पसार रहा चाइना, भारत को लद्दाख से भी बड़ा खतरा। चीन भारत को हर तरफ से घेरना चाहता है, इसलिए लक्षद्वीप से मात्र 600 किलोमीटर की दूरी पर चीन एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है। इसका खुलासा हाल ही में हुआ है। दरअसल ये चीन का एक पुराना विस्तारवादी तरीका है, जिसमें वो समुद्र के बीच में मलबा भरकर कृत्रिम द्वीप बनाता है और अपनी सीमा का विस्तार करता है। इसके पहले भी दक्षिणी चीन सागर में वो इस तरह की हरकतें कर चुका है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को देखते हुए विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि लद्दाख से ज्यादा चीन हिंद महासागर में भारत के लिए खतरा है। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में नियंत्रण रेखा ही भारत के लिए चिंता का सबब नहीं है। चीन हिंद महासागर में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस साल मई महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि अफ्रीका के जिबूती स्थित चीनी नेवल बेस को आधुनिक बनाया गया है। पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट के बनाए इस ठिकाने को अब नेवल बेस में तब्दील कर दिया गया है। इस अड्डे पर चीन का विमान वाहक पोत भी खड़ा हो सकता है। साउथ चाइना सी की तर्ज पर बना रहा द्वीप। चीन जिस तरह साउथ चाइना सी की तर्ज पर यहाँ द्वीप बना रहा है, उससे तय है कि हिंद महासागर का ये क्षेत्र भविष्य में विवाद की बड़ी हलचल में तब्दील हो सकता है। चीन पहले फिलीपींस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य कर चुका है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भी चीन को निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन चीन ने वो आदेश नहीं माना। हालांकि आशंकाएं पहले से जाहिर की जा रही थी कि मालदीव में चीन ने जो द्वीप लीज पर लिए हैं, वहां वो अपने सैन्य बेस बना सकता है। जिबूती स्थित चीन का नेवल बेस हिंद महासागर में ड्रैगन की विस्तारवादी नीति को बताने के लिए काफी है। ये नौ सैनिक अड्डा करीब 25,000 वर्ग फुट के इलाके में फैला है। ये अड्डा अपने आप में एक चीनी किले की तरह से है। इसमें करीब 10,000 चीनी सैनिक रह सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस अड्डे के जरिए चीन इलाके में खुफिया निगरानी करता है। चारों तरफ निगरानी के लिए वॉच टावर बनाए गए हैं और सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। अगर मौजूदा हालात में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, तो चीनी नौसेना हिंद महासागर में आसानी से अपनी पकड़ बना लेगी, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत के लिए बड़ा खतरा है चीनी बेस। करीब एक दशक पहले चीनी नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाव के नाम पर हिंद महासागर में कदम रखा था। भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि पहले ऐसे समझा जा रहा था कि चीन अपने हितों और व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन चीन ने सबकी राय बदल दी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि चीन अब खुद को हिंद महासागर की एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है। दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा करने के बाद अब चीन हिंद महासागर पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। अब चीन लगातार हिंद महासागर में पनडुब्बी और युद्धपोत भेज रहा है। पिछले साल सितंबर महीने में चीनी जहाज भारतीय समुद्री इलाके में घुस आया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए, जहां पर चीन का दबदबा है। इससे ड्रैगन को अपने कदम खींचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कृत्रिम द्वीपों के जरिए समुद्र पर नियंत्रण करना चाहता है चाइना। समुद्र चीन की कमजोरी है। चीन को अपने इलाकों में पेट्रोलियम और माल पहुंचाने के लिए भारत की समुद्री सीमा से गुजरना पड़ता है। भारत की समुद्री सीमा दुनिया में सबसे ज्यादा है।
क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। ऐसे में चीन को ये खतरा रहता है कि किसी भी तनाव की स्थिति में उसका समुद्री आवागमन और व्यापार पूरी तरह से ठप हो सकता है। इसलिए चीन ने मलबा गिराकर समुद्र में कृत्रिम द्वीप बनाने शुरू कर दिए। चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए खतरनाक है। मालदीव के पास कृत्रिम द्वीप बनाने से भारत की समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चीन भारत से 684 किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप तैयार कर रहा है। चीन का इस इलाके में कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है। ये इलाका मालदीव का है, जिन्हें चीन ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान 2016 में $4 मिलियन में लीज पर लिया था। लेकिन वो यहाँ पर किसी तरह का स्थायी निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन मालदीव चीन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, वो चीन की करतूतों का विरोध नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को उचित कदम उठाकर चीन को काबू में लाना पड़ेगा। दरअसल कर्ज देकर देशों पर कब्जा करना चीन की पुरानी आदत है। इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान और श्रीलंका है। पाकिस्तान को कर्ज तले दबाने के बाद चीन ने उसका ग्वादर पोर्ट कब्जा कर लिया। ठीक इसी तरह श्रीलंका को भी चीन ने इतना कर्ज दे दिया कि वो उसे लौटा नहीं पाया। बदले में चीन ने उसका पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। इन पोर्ट को चीन व्यापार के तौर पर तो इस्तेमाल कर ही रहा है, साथ ही चोरी चुपके यहाँ अपना बेस भी तैयार कर रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी है। दरअसल चीन पूरी दुनिया में भू माफिया के नाम से जाना जाता है। पहले वो जमीन पर कब्जा करता था, लेकिन अब उसकी नजर समंदर पर भी पड़ गई है। अब वो अपने कब्जे की भूख मिटाने के लिए समंदर पर कृत्रिम द्वीप बनाकर उन पर कब्जा कर रहा है। दक्षिणी चीन सागर के बाद अब उसका अगला निशाना हिंद महासागर है। दरअसल चीन का मकसद भारत को घेरना है और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और विशेषज्ञों ने इसी बात की आशंका जताई है।